तो पहले कैरी के अंदर मेरे ये सब प्लांट है और एक पपीते की भी प्लांट है जो बहुत ही छोटे है अभी अभी तो पपीता इसमें लगा नहीं है। और यहाँ पर है मेरे एक नींबू के प्लांट जिसको मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया था और बहुत सारे देखिए इसमें अभी फ्लावरिंग हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं और एक दो नींबू भी लगा हुआ है पहले से। ये भी मेरे 2-2.5 साल पुराना कटिंग है जिसमें इस साल ही पहली बार फ्लावरिंग एक दफा हो चुका है और अभी दोबारा इसमें फ्लावरिंग शुरू हुआ है। और इस साइड पे मेरे सेकेंड कैरी के अंदर भी बहुत सारे अदरक की प्लांट्स है जो हार्वेस्टिंग में टाइम टू टाइम करता हूँ। जैसे कि मैं पहले भी दिखाया मेरे पास बहुत सारे अदरक की प्लांट्स है जिसको मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूँ। और यहाँ पर मेरे है एक पपीते के प्लांट जिसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुका है, हालांकि इस पे अभी तक पपीता तो लगा नहीं है लेकिन देखिए फ्लावरिंग हो रहा है प्लांट पे। देखते हैं, अभी उम्मीद है कि इसमें बहुत जल्दी पपीता लगना शुरू हो जाएगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर है मेरे एक रेड वेराइटी मिली के जो बहुत ही छोटा है, मैं हाल ही में ही इसको रिपोर्ट किया हूँ, कटिंग से मैं इसको ग्रो किया था। मिली प्लांट के लिए थोड़े से फैला हुआ पॉट बहुत ही अच्छा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हो सकते हैं। पर अभी मैं अगर सामने की साइड की बात करूं तो यहाँ पर मेरे कुछ हिबिस्कस प्लांट है जो हाइब्रिड वेराइटी है, अभी फ्लावरिंग दोबारा शुरू किया है। जैसे कि आप देख पा रहे, ये एक पिंक वेराइटी है जो फ्लावरिंग करना शुरू किया है नए से। और यहाँ पर जो देसी वेराइटी है उसमें तो हालांकि फ्लावरिंग नहीं है। और यहाँ पर और एक हाइब्रिड वेराइटी है जिसमें शायद 4 या 5 फ्लावर लगे हुए है, यहाँ पर देख सकते हो। और पीछे की साइड पे और एक येलो वेराइटी है, इसमें भी अभी दोबारा देखिए बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं। और ये सभी प्लांट मेरे बड़े बड़े बस्ते के अंदर और बाल्टी के अंदर लगे हैं। और यहाँ पर है मेरे एक मिली प्लांट, देखिए बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं इस पे। मिली प्लांट पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होता है, जैसे कि मैं बताया कि थोड़ा सा फैला हुआ पॉट पे लगाइए तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो देखिए मेरा ये प्लांट एक प्लास्टिक के फैले हुए पॉट के अंदर लगा हुआ है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये प्लांट आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ड्रॉप वेराइटी, एक मिली के ही ड्रॉप वेराइटी है। देखिए छोटे छोटे से देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, बहुत सारे फ्लावरिंग लगते हैं इस पे और छोटे छोटे साइज में फ्लावरिंग लगते हैं। और यहाँ पर है मेरे एक हाइब्रिड वाले विंका के वेराइटी, हाइब्रिड वाले विंका प्लांट, हालांकि हाइब्रिड विंका बारिश खत्म होने के बाद धीरे धीरे से सूखने लगते हैं और ड्राई हो जाते हैं, लेकिन मेरे जो हाइब्रिड वेराइटी है देखिए अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा कलर है इसका। हालांकि मेरे पास 3 प्लांट थे जिसमें से 2 प्लांट तो खराब हो चुके हैं लेकिन एक प्लांट है जो अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं और ये मेरे एक कैरी बैग के अंदर लगे हुए हैं। उसके पास ही है मेरे क्रोसांड्रा के प्लांट, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होता है इसमें ऑरेंज कलर के, अभी तो फिलहाल फ्लावरिंग नहीं है, दोबारा इसमें फरवरी से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे है मेरे एक कोल के प्लांट जो देखिए येलो वेराइटी में फ्लावरिंग कर रहा है। यहाँ पे मेरे स्ट्रॉबेरी प्लांट है जिसको मैं थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर लगा के रखा हूँ। और यहाँ पे है मेरे कोलियस के प्लांट, इस साइड पे मेरे सभी ऑर्नामेंट प्लांट्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हो क्रोटोन, कोलियस, स्नेक प्लांट। और यहाँ पे मेरे ड्वर्फ मॉन्स्टेरा के प्लांट, अम्ब्रेला पाम और सिंगोनियम और डिफेनबाकिया के प्लांट्स है और एलोकेशिया के प्लांट्स है जो, और जिसको मैं छोटे छोटे पॉट के छोटे छोटे से पॉट के अंदर लगा के रखा हूँ। और यहाँ पे है मेरे एक एग्लोनिमा के प्लांट, ये नया प्लांट है, कटिंग से ग्रो किया हूँ, बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके जो लीव्स है। और यहाँ पर है मेरे चाइनीज बैम्बू प्लांट, एक कटिंग में लगाया था और अभी देखिए बहुत सारे प्लांट्स इसके अंदर बन चुका है। और इसको मैं अभी अगर कटिंग करके सिर्फ पानी के अंदर भी लगा दूं, पानी के अंदर भी इसके रूटिंग हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे चाइनीज बैम्बू के प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। और यहाँ पर है मेरे एक टिकोमा के प्लांट, मेरे ये प्लांट खराब हो चुका था, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल मैं कर चुका था, तो लेकिन देखिए दोबारा इसमें फ्लावरिंग शुरू हुआ है। तो ये भी एक छोटे से 10 इंच पॉट के अंदर लगा है
देखिए जैसे कि मैं बताया इसके लीव्स देखिए सूख गए थे, सभी लीव्स इसके झड़ चुके थे और अभी नए नए से देखिए स्टेम और लीव्स निकलना शुरू हुआ है और फ्लावरिंग दोबारा से शुरू हुआ है। मैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसके ऊपर मास्टर्ड की एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे चुका था, इसके लिए प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए थे। तो ऐसे भी अगर आपके साथ हो तो आप उस पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाटरिंग कीजिए या फिर आप उसके मिट्टी चेंज कर दीजिए, पॉट चेंज कर दीजिए। तो मैं इसको लास्ट 10 दिन से बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटरिंग किया हूँ और धीरे धीरे से मेरे प्लांट अभी ठीक होने लगे हैं। उसके बाद मेरे यहाँ पर जो थर्ड कैरी है उसके अंदर भी बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स मैं ग्रो किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए धनिया के कुछ सीड्स में लगाए थे और ये अभी बड़े बड़े से होना शुरू हो चुका है। और पीछे की साइड पर यहाँ पर आप देखिए मैं ऑनियन मतलब कांदा जिसे प्याज कहते हैं वो भी छोटे छोटे से प्याज लगाया था और अभी ये भी मेरे लग चुका है शायद। और इस साइड पे मेरे कुछ मटर के प्लांट है, मटर लगना शुरू हुआ है एक दो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मटर यहाँ पर है और यहाँ पर भी देखिए। हालांकि बहुत अच्छा तो रिजल्ट्स नहीं है, मैं शायद 5 या 6 सीड्स लगाए थे वहाँ, उसमें से मेरे 3 सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। और यहाँ पर नीचे की साइड से भी और एक देखिए यहाँ पर और एक नया सा स्टेम निकल रहा है, वहाँ पर भी शायद मटर आ रहे हैं। तो प्लांट्स का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन एक दो करके मटर लग रहे हैं। इस साइड पे मैं लहसुन के छोटे छोटे से दाना को लगाए थे, यहाँ पर भी प्लांट्स देखिए बनना शुरू हो चुका है। इसके ऊपर एक फुल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर है मेरे और एक पपीते के प्लांट जिसको मैं कटिंग करके ग्रो किया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर है एक बॉटल गॉर्ड के प्लांट, इसके भी मैं सीडलिंग्स किया था और प्लांट्स मेरे अभी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारे मैं देखिए यहाँ पे लहसुन के सीड्स लगाया था बहुत सारे साइड से मेरे कैरी के अंदर। और यहाँ पर देखिए मेरे पुराने कुछ क्रिसेंथेमम के प्लांट्स हैं जो अभी फ्लावरिंग करना शुरू किया है। और लास्ट जो कैरी है ये मैं नए से अभी रेडी कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे करेले के प्लांट्स थे जिसको मैं हटाकर अभी नए से नए मिट्टी और खाद का इस्तेमाल कर यहाँ पर मैं मिट्टी से फिलअप किया हूँ। तो इस पर भी मैं कुछ दिनों के अंदर कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स ग्रो जरूर करूँगा। और यहाँ पर है मेरे कुछ जाबेरिया के प्लांट्स जिसमें से एक फ्लावरिंग जस्ट लगा है, ऑरेंज कलर में फ्लावरिंग ये कर रहा है। और अगर ऊपर की साइड पे मैं दिखाऊं तो मेरे देखिए बॉटल गॉट के प्लांट है जो जिसमें बॉटल गॉट देखिए एक यहाँ पर बड़ा हो चुका है, यहाँ पर भी एक है और भी बहुत सारे छोटे छोटे से बॉटल गॉट लगना शुरू हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकती हो मेरे सीम के प्लांट बहुत सारे देखिए सीम भी लगा है। तो मैं इस साल बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो किया हूँ और मेरे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। देखिए कितने बड़े साइज के इसमें सीम लगे हैं, पूरा जो प्लांट है भर चुका है सीम से। और बहुत बार मैं हार्वेस्ट भी कर चुका हूँ। इस साइड पे भी देखिए बहुत सारे यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप बहुत सारे सीम लगे हैं। पूरा जो प्लांट है यह भर चुका है सीम से। हर दिन मैं हार्वेस्ट करता हूँ फिर भी देखिए बहुत सारे सीम लगे हुए हैं। पूरे जो शेड है मेरा ये अभी पूरा भर चुका है सीम से। और देखिए इस साइड पर भी बहुत सारे सीम लगे हैं और प्लांट्स का ग्रोथ देखिए कितना अच्छा है, अच्छे खासे फ्लावरिंग भी हो रहा है और बहुत सारे सीम भी लग रहे हैं प्लांट पे। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं इस प्लांट पे। तो सीम के प्लांट को भी आप वेजिटेबल्स के रूप में इस विंटर सीजन में ग्रो जरूर कीजिए। और यहाँ पर उसके नीचे ही है मेरे एक बहुत पुराना मेरा एक नींबू के प्लांट जिसमें फ्लावरिंग भी हो रहा है। और पास ही में है मेरे एक ग्रेप्स प्लांट मतलब अंगूर के प्लांट, तो इसमें अभी तो दिख नहीं रहा है प्लांट का ग्रोथ कैसा है क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स एक साथ मर्ज हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे ऊपर की साइड पे पता नहीं चल रहा है कौन सा प्लांट कहाँ पे है। यहाँ पे आप देखिए मेरे अंगूर के प्लांट यहाँ तो दिख रहा है, हालांकि फ्लावरिंग शुरू हुआ है कि नहीं अभी तक इसमें मुझे पता नहीं है। तो इसके साथ ही साथ मेरे जो थर्मोकोल के
कटिंग ट्रे है उसके भी अपडेट्स थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। बहुत सारे कटिंग्स लगे हुए हैं यहाँ पर। एक एक्सोरिया के वैरायटी है, शायद ये येलो वैरायटी है। यहाँ पर मेरे एक हिबिस्कस के कटिंग्स लगाया था, देखिए इसमें फ्लावरिंग आ रहे हैं अभी। और है यहाँ पर हरसिंगार के एक कटिंग, इस साइड पे बहुत सारे मोगरे के कटिंग है और कुछ हिबिस्कस के कटिंग भी है और कुछ इस पे ओलियंडर की कटिंग भी लगे हुए है जो ऑलरेडी लग चुका है। बहुत पुराना कटिंग है, देख सकते हैं आप कितना बड़ा बड़ा इसका स्टेम हो चुका है। और प्लूमेरिया पुदीका के भी दो कटिंग यहाँ पर लगे हैं और यहाँ पर और एक कटिंग है, तो सभी कटिंग ही लग चुका है। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरे गार्डन की पूरी अपडेट। हालांकि अभी भी और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसको मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ उसके रिजल्ट शेयर करता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।